सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी की खुशी की वजह बनो, दर्द देने के लिए तो पूरा जमाना है। चाहत गलत नहीं लेकिन चाहकर छोड़ देना गलत है। दिल बड़ा रखो, दुनिया बहुत छोटी है। जरूरी नहीं कि जो चुप है वो गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जोड़ी सबके लिए बनाई है मैंने, कभी किसी के सामने भीख मत मांगना। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 1:52 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:41 से 6:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:52 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आप सभी को नवरात्रि की 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ काल रात्रि की पूजा करें। कुमरा से 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जाएंगे, अपने दोस्तों साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहाँ तर्क शक्ति से बात ना बने, अपने मन की आवाज़ सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। विवादों से बचने के बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। जो लोग आप पर निर्भर करते हैं वे आपकी चिंता कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करें और आने वाले दिनों में आपको अच्छा भाग्य मिलेगा। अगर आपके परिवार या प्रियजनों को आपकी जरूरत है तो उनके आराम को प्राथमिकता दें या शायद उनके साथ रहने के लिए एक छोटी सी यात्रा करें। आप अपने समाज में एक सम्मानजनक स्थिति का आनंद लेंगे। अपने लक्ष्य को परिभाषित करना आपके लाभ के लिए काम करेगा। अपने परिवार और दोस्तों से अपने विचारों को जरूर बांटें। जोखिम लेने में झिझक ना करें और याद रखें कि जब तक आपकी नज़र मैदान पर नहीं रहेगी तब तक आप नई ऊंचाइयों की खोज नहीं कर सकते। आज कई तरह की गतिविधियां बनी रहेगी, उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने से आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। युवा वर्ग को बहुत समय से अपने करियर संबंधित चल रहे प्रयासों का परिणाम मिलने वाली है। परिवार से संबंधित पुरानी तकलीफ फिर से हो सकती है, लेकिन इस बार आप हर एक बात का परीक्षण बारीकी से करेंगे। लोगों के साथ जुड़े रहने के बाद भी आत्मनिर्भरता बनी रहे इस बात पर ध्यान देना होगा। विदेश में काम करने की इच्छा जल्दी पूरी हो सकती है, लेकिन ये औसत सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होगा। पार्टनर से मिले सरप्राइज की वजह से आपको और परिवार को आनंद मिलेगा। यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने कार्यों को शलीके के साथ करके अपने लक्ष्य के निकट पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट से कोई बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। व्यापार में आर्थिक प्रगति के लिए मेहनत करना होगा। मेहनत के बल पर खास उपलब्धि हासिल कर लेंगे। आपको धन के मामलों में अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संपत्ति खरीदने का मन बनाने से पहले पैसों से संबंधित नियम समझना जरूरी होगा। जो भी निर्णय आज आप लेंगे वह निर्णय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अतिरिक्त धन को रियल इस्टेट में निवेश किया जा सकता है। अपने घर को अकेला ना छोड़ें। नौकरी बदलने का मन बनेगा। अचानक किसी से मुलाकात मधुर रिश्ते में बदल सकती है। सावधानियां, किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। बेहतर होगा कि ज्यादा मेल मुलाकात की स्थिति से दूर ही रहें तथा अपने कार्यों में ही मन लगाएं।
बहुत अधिक सोच विचार करना व उसमें समय लगाना आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक व्यक्तियों के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आने से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने लक्ष्य से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफ़ी राहत महसूस होगी और आप अपनी आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। इस समय आप प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि कोई अलौकिक शक्ति इस रंग को और भी गहरा बना रही है। मुकदमेबाजी या कोई दुर्घटना चिंता का कारण हो सकती है। आज आपको प्यार के मौके अपने कार्यस्थल, पार्टी या किसी अन्य अवसर के माध्यम से मिल सकते हैं। अपने कुर रवैये और आकर्षण का प्रयोग करके अपने साथी को हमेशा अपने करीब रखें। अपने पार्टनर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसीलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। बात करते हैं करियर की। अपने अंतरात्मा की सुने और अपने कोई भी निर्णय उसके परिणामों के बारे में जान कर लें। कौशल प्रशिक्षण या नया ज्ञान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के अच्छे तरीके हैं। अपने दिनचर्या को बदलकर आप अपने व्यवहार या आदतों को सुधार सकते हैं। किसी पर तुरंत विश्वास ना करें और धोखे से बचें। आपका बिजनेस आज पूरी तरह से संतोषजनक है। काम के प्रति अपने लक्ष्य को फिर से निर्धारित करें, इससे आपको फायदा होगा। पुराने विचार आपको निराश नहीं करेंगे, किंतु नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए भी यह समय अच्छा है। जोखिम लेने से पीछे ना हटें, क्योंकि जब तक आप जमीन पर रहेंगे तब तक ऊंचाइयां नहीं छू सकते। आज अपने कार्य से संबंधित कारणों से अपने निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना है। आपको पदोन्नत किया जा सकता है और एक अलग क्षेत्र के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहण कर सकते हैं। आप एक पेशेवर सलाहकार या अपने किसी करीबी से आज करियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं। अगर आप इस सलाह पर पर्याप्त ध्यान देंगे तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आपको आज गिरकर छोटी मोटी चोट लग सकती है या आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं। छोटी मोटी दुर्घटना की भी आशंका है। आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। इसके अतिरिक्त दिन में कुछ विशेष नहीं होगा। आप किसी से स्वास्थ्य केंद्र में मिलने जा सकते हैं। यह समय अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव करने के लिए बिल्कुल ठीक है जिसके आपको लंबे समय से जरूरत है। आज का उपाय, आज आप छोटी कन्याओं को कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।